आशा है डिस्कवरी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र संपूर्ण जनतेचे जनजीवन कोलमडून गेले, लोकांचे आर्थिक उत्पन्न थांबले, संपूर्ण राज्य थांबले गेले, त्यात नागरिकांना काम नाही, 5 महिने घरी बसून सागण्याचा उद्दिष्ट म्हणजे लोकांचे कामधंदे बंद आहे, त्यांना उत्पन्नाचे साधन नाही, त्यांची जमापुंजी संपली आहे, काही कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा आधार गेले, त्यात महावितरणने लोकांना भरमसाठ विजेचे बिल पाठवले। महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी या काळात कोणतीही मीटर रीडिंग घेतली नाही, सर्व ग्राहकांना एकच सरासरी युनिट प्रमाणे वीज बिले आकारून पाठविलेले, तसेच सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले, मोठ्या उद्योगधंद्याचे कर्ज माफ केले, महावितरणची जनतेला पाठवली भरमसाठ वीज बिले सुद्धा माफ करावी, सरकारने असे केले तर लोकांना तेवढाच आधार मिळेल, सरकारने जनतेची वीज माफीच्या संदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी कल्याण डोंबिवली शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी जिल्हा उपाध्यक्ष सलीम मोहम्मद शेख यांनी तहसीलदार यांना निवेदन दिले। यावेळी शिबू शेख, सलीम शेख, शकील खान, गुलाब मन्यार, फिरोज सय्यद, अदिल खान, अब्दुल्ला मुला, जलील मुनियार, हमीद शेख, अब्दुल हुसेन, रियाज गिलोरी आदि कार्यकर्ते उपस्थित। द ब्यूरो रिपोर्ट, डिस्कवरी टीवी न्यूज। अभी हम लोग आज तहसीलदार कार्यालय में निवेदन देने के लिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। निवेदन इसके बारे में है, ये जो केंद्र की बीजेपी सरकार है, जिस हिसाब से पूरे दुनिया में देश में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसकी महामारी फैली है, तो ये पहले इटली, चाइना और ये सब तरफ चालू था, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी, इनको भी मालूम होना चाहिए था कि हमारे देश में भी ये बीमारी आ सकती है, और इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने 26 फरवरी को अहमदाबाद के अंदर ट्रंप के स्वागत के अंदर लगे, लेकिन ये बीमारी के ऊपर कुछ ध्यान देने का इन्होंने काम किए नहीं। उसका नतीजा ये हुआ है कि आज हमारे देश में तकरीबन 50-60 लाख लोग ये बीमारी के संक्रमित में है, 70-80 हज़ार लोग मर चुके हैं इसके अंदर, और ये लॉकडाउन जब से लग रहा है तब से लोगों के रोजगार, छोटे मोटे जो काम करने वाले, फेरी वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले, रिक्शा ड्राइवर, ये सारे लोगों के रोजी रोजगार के सब ये बेकार हो गए। और ये जो समस्या 5-6 महीने से चल रही है, आज लोगों को खाने पीने के लिए इनके पास नहीं है, लेकिन ये लाइट का जो बिल है या हर महीने ये बड़ा के बिल आ रहा है, कोई रीडिंग नहीं ली जाती इसके ऊपर, और किसका 500 रुपये बिल आ रहा था उसको भी 1,000-1,500 रुपये बिल आ रहा है, इसको 2,000 आ रहा है उसको 6,000 रुपये बिल आ रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रीडिंग के साथ में बिल और रीडिंग का बिल आ रहे हैं लोग को। तो ये हमारे पास में बहुत सारी समस्या ऐसी यहाँ के जो लोकल पब्लिक है वो लेके आती है ऑफिस पे, तो हमने सोचा कि चलो हमारी आवाज़ सरकार तक, जनता की आवाज़ें पहुँचानी है, तो उस हिसाब से हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, और अपने जो ऊर्जा मंत्री हैं नितिन राउत उनको लेटर लिखा, प्रकाशगढ़ में लेटर डाला हूँ, और थाना कलेक्टर को लेटर दिया है कि भाई ये जो लोगों की समस्या है ये बिल माफ़ करो आप, क्योंकि यार इतने बड़े बड़े उद्योगपति के कर्जे माफ़ होते हैं हज़ारों लाखों करोड़ के, तो ये गरीब जो है इनके बिल क्यों ना माफ़ हो, क्योंकि इसके पहले 70 साल में कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि तुम लाइट के बिल या पानी के बिल माफ़ करो, लेकिन ये आज का टाइम ऐसा है कि महामारी की वजह से लॉकडाउन लगे हैं, और ये केंद्र सरकार की गलती है ना कि राज्य सरकार की, तो इन लोग को ध्यान देना चाहिए। ये तो कर्जा लोगों का माफ़ करने के लिए उद्योगपति का रहते, लेकिन गरीबों के लिए कोई आदि आके कर्जा माफ़ करता नहीं, तो ये लाइट का जो खर्चा जो भी 20-25 हज़ार करोड़ रुपये होगा, मुझे नहीं मालूम कितना आ सकता है, तो हम इतनी मांग है हमारी कि ये कर्जा माफ़ करे गोर गरीबों का, पूरे महाराष्ट्र का, ना कि हम खाली हमारे ये कल्याण डोंबिवली शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग चाहते हैं कि ये कर्जा कैसे भी करके इन लोगों का माफ़ करे सरकार, और इसी कारण से आज हमारे जो कल्याण के तहसीलदार हैं उनको हमें मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं, और उनके जरिए सरकार तक भी आवाज़ पहुँचाएगी, बात पहुँचाएगी कि ये कर्जा माफ़ कर देगी या लाइट बिल का जो भी है ये माफ़ करने की आपके तरफ हम लोग विनंती कर रहे हैं उनको। और दूसरी बात एक ऐसी है कि हमें कुछ लोग बोलते हैं यार तुम्हारी सरकार है और तुम्हारी सरकार के खिलाफ कैसे, तो हम हमारे सरकार के खिलाफ नहीं है, हम यहाँ पर बैठे कल्याण में, मैं कल्याण का कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ, उस माध्यम से मैं अपनी सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर का मैं कुछ लोगों का प्रतिनिधि करता हूँ,
कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मैं अपने सरकार के खिलाफ नहीं, क्योंकि हमारी यूपी की सरकार है तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा रहा, लेकिन लोगों की जो समस्या जो है वो मुझे उन तक पहुँचानी है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, मुझे उनके बीच में रहना है, मुझे उनका काम करना है, तो सरकार के खिलाफ जाके काम करना ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। तो ये हम लोग इसी के लिए सरकार तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता की ओर से है, ना कि किसी पर्सनल मेरा है, जनता है जो आती है उन लोग देखो जो प्रॉब्लम चालू है, आज खाने पीने के वांदे है, आज उस तरह से भी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंदर दिन पे दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं, बराबर। तो इसके लिए हम लोग बड़ा मोर्चा ही ये था, लेकिन लोगों को समझाया कि भाई तुम मोर्चा वर्चा मत निकालो, हम लोग सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे, हम लोग सरकार के प्रतिनिधि है इधर तुम्हारे भी, हम तुम्हारे नौकर बन के काम करेंगे, उसी कोई बात नहीं है। तो इसी हिसाब से आज का ये जो प्रोग्राम रखा है और ये मेमोरेंडम देने के लिए तहसीलदार ऑफिस जा रहे हैं। तो यह थे आज के कुछ मुख्य समाचार, यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9388420420। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।